नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको शेक आर्म्स द्वारा बनाई गई रैप्टर और सियाल कंपनी द्वारा बताई गई कि वो वेबले जो है भारत में आ रही है, उन दोनों के बारे में और उन दोनों कंपनियों को कंपेयर करके बताएंगे। तथा वेबले कंपनी जो बताई गई है कि जो भारत में आ रही है, उन्होंने पब्लिक को जो वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी है उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कुछ समय पहले हमने एक पोस्ट डाला था कि हम PIL कर रहे हैं, जो है लोगों को आसानी से लाइसेंस मिल सके या क्यों लाइसेंस नहीं मिला है उसका स्पष्ट जवाब मिल सके, हर चीज एक टाइम फ्रेम के अंदर हो, इसके लिए एक PIL करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने तैयारी शुरू कर दी है। आप सबके ने बहुत सारा सहयोग किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी PIL को करने से पहले हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे बहुत जो है 4-5 तरीके की अलग अलग विभाग से PIL RTI डालना है और उनके डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है, क्योंकि कोर्ट में जब हमें अपनी बात रखनी है तो उसको प्रूफ भी करना है, तब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना के आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रैप्टर वर्सेस वेबले। रैप्टर जो है एक पिस्टल का नाम है तथा इनकी जो कंपनी है वो है शेक आर्म्स एम्यूनिशन, ये OPC कंपनी है, 1% कंपनी। अच्छा, इनका जो प्रोडक्ट है उसकी रेंज बहुत अधिक है, तरह तरह की रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स और सेमी ऑटो पंप एक्शन गन्स और आदि इत्यादि, तथा जो कारतूस की इनकी रेंज है वो भी बहुत है। एक एक करके ये चीज़ों को जो है मैन्युफैक्चरिंग अपने लाइन पर सेटअप कर रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट हमने देखा है, अगर हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे तो हमारा जो विषय है वो एक तरफा हो जाएगा। हमने जीवन में कभी भी किसी भी शस्त्र की वीडियो के माध्यम से या पीठ पीछे भी कभी भी किसी वेपन की बुराई नहीं करी। हमारे लगभग 100 वीडियो होने वाले हैं, जितने भी शस्त्र के वीडियो हैं आप देख सकते हैं, हमने दुनिया में किसी वेपन की बुराई नहीं करी। वेपन की बुराई, वेपन को कुछ अपशब्द कहना ठीक वैसा ही है जैसे आप भोजन को गाली दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पर शस्त्रों की पूजा भी होती है। चलिए अब बात करते हैं वेबले इंडिया की। सबसे बड़ा सवाल इसको देख करके जो मेरी नज़र में आता है, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है और सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने बहुत बार कहा कि कंपेयर करिए कंपेयर करिए, तो कंपेयर कर रहे हैं। तो किसी को हम छोटा नहीं दिखाना चाहते, किसी को बड़ा भी नहीं दिखाना चाहते, हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ वही बात करेंगे जो इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पर दिखाया है। सबसे पहले कंपनी का नाम है, सॉरी वेबसाइट का नाम है वेबले इंडिया करके, वेबसाइट का नाम है, और whois.net पे आप इस वेबसाइट को चेक करेंगे तो ये वेबलेस एंड स्कॉट कंपनी की वेबसाइट नहीं, ये सियाल कंपनी की वेबसाइट है, इसके ओनर सियाल कंपनी है। सियाल कंपनी जो है एक दुकानदार हैं लखनऊ के, और अच्छे रेपुटेड दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, उनको लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग का। लखनऊ के पास में ही उनका एक जगह लगती है, बताया गया कि कारखाना है उनका और वो शस्त्र को बना रहे हैं। अच्छा, इन्होंने वेबसाइट पे कुछ तस्वीरें लगा रखी हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे जो रिवॉल्वर्स की फोटोग्राफ लगाई है वो इनका प्रोडक्ट नहीं है, वो पुरानी रिवॉल्वर्स की फोटो हैं जो मेड इन इंग्लैंड की, जो वेबलेड एंड स्कॉट लिमिटेड कंपनी की जो वेबसाइट है की फोटो के जो वेपन्स हैं उन वेपन की पुरानी रिवॉल्वर्स की फोटोएं लगा रखी है इन्होंने, वो इनका प्रोडक्ट तो नहीं है किसी भी कीमत पर। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने पिस्टल की फोटो लगाई है, तो अब हम पिस्टल की ही बात करते हैं। एक का कैलिबर है 38, एक का कैलिबर है 45। ये वो कैलिबर है जिनकी कारतूस मिलने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन पावर में बहुत अच्छी होती है। हमें प्रतीक्षा है एक अच्छी पिस्टल की, आपसे उम्मीद भी है कि जो है भविष्य में लेकर के आएंगे, लेकिन अभी कुछ भी देखने में नहीं आया है। तो हर कोई, या तो कभी कभी लोग सीक्रेट रखते हैं चीज़ों को लॉन्च करने से पहले, और कुछ लोग जो है खुला खेल फरुखाबादी जो है वो दिखा दिया।
किसी भी कीमत पर। इन्होंने जो दो पिस्टल की फोटोएं लगाया है ये वेबले का मॉडल नहीं है। वेबले एंड स्कॉट ने इस तरह के मॉडल कभी भी लॉन्च नहीं किए हैं, हमारी नज़ीर में तो नहीं किए हैं। अच्छा, इन्होंने इसी बात को कहा भी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने खुद कहा है कि ये 1911 का मॉडल है। अपनी वेबसाइट में एक जगह दिखाया है इन्होंने कि 1911 का मॉडल है। तो वेबले ने 1911 कभी नहीं बनाया भाई, और जो है कभी बनाने का प्रयास भी नहीं किया। और जो रिवॉल्वर्स हैं, अगर इस तरह की रिवॉल्वर्स आ रही हैं तो IOF इस बड़े प्लांट का सामान और अधिक जो है परफेक्शन की मेजरमेंट के साथ आपका IUF का वेबले के ऑलरेडी नकल ले रही है। पहले ए टाइप की नकल लेकर के अनमोल बनाया IUF ने, उसके बाद बी टाइप की नकल लेके, यहाँ तक कि अभी तक जो निशांक रिवॉल्वर आया वो भी वेबले की ही नकल है। IUF ने जैसे कुछ और किया ही नहीं है, सिर्फ वेबले के। हमारे बाल पक गए, हमारे दो बच्चे बड़े हो गए, हमने यही मॉडल देखा हमेशा से। अब दोबारा मेड इन इंडिया के नाम पर जो है हम दोबारा फिर वही मॉडल में पैसा लगाना, वो भी 32 कैलिबर में, या तो फिर कैलिबर चेंज हो, कुछ उसमें बदलाव हो, क्योंकि हम लोगों को, भारतीयों को एक बदलाव की आवश्यकता है। इस तरह के मॉडल से ऑलरेडी फेड अप हैं। तो सुनने में अच्छा है वेबले लिखा हुआ है सिर्फ, हालांकि वेबले का कुछ नहीं, वेबले का लिखा हुआ है तो सुनने में अच्छा है, तो भीड़ लगाएंगे, देखेंगे, देख कर फिर रख देंगे जब तक उसमें कुछ नयापन नहीं होगा। आपकी पिस्टल्स का इंतजार है कि आप 45 की पिस्टल्स कब लॉन्च करते हैं, और हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी तहे दिल से प्रतीक्षा है, उम्मीद करते हैं आपकी रिवॉल्वर पिस्टल जल्दी आएगी। अब लॉन्चिंग की बात करते हैं शेख आर्म्स की। आर्म्स एम्यूनेशन कंपनी ने बताया था कि अगस्त के तक आपका एक प्रोडक्ट की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगस्त तो निकल गया, सितंबर आ गया, तो अब कोरोना COVID-19 की वजह से सबके काम रुके हुए हैं, कुछ ना कुछ बहुत सारे कामों में प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि छोटे छोटे कुरियर्स भी, वो तो पहाड़ों पे बैठे हैं, वहाँ आने जाने में समस्या है, चाहे वो वेबले कंपनी हो, चाहे वो ग्लॉक कंपनी हो, चाहे वो जो हो, कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोगों के काम बाधित हैं। तो एक एक्सक्यूज दिया जा सकता है, लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि और अधिक वो कंपनी लेट नहीं करेगी, वो कंपनी भविष्य में दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या डिलीवरी करेगी तो उसका वीडियो मैं पर्सनली जाकर बनाऊंगा। और जो है आप सबसे अनुरोध है कि हमारी PIL के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को शस्त्र मिल सके, उसके लिए हम लोग को सपोर्ट करिए। ये जो प्रथा है लेटर पैड पे लिखवा, हमने देखते हैं कि लोग जो है सांसद मंत्रियों के लेटर पैड पे लिखवा के, ये जो फैशन है इस फैशन को खत्म किया जाए, आम जनता के लिए पारदर्शिता लिया जाए। भाई लाइसेंस हो रहे हैं तो मिल रहे हैं, लाइसेंस नहीं हो रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलना कोई दिक्कत नहीं है, डिनाई कर दीजिए, लेकिन क्यों, उसका एक जवाब तो हम लोग को मिल सकता है। प्लीज़ हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे PIL को सपोर्ट करने, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। आप सबकी बहुत बहुत महान अनुकंपा। जय हिंद, जय भारत।